तो मैं आकाश आपको स्वागत करता हूँ मेरे अपने फूड चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज्ज़ा, होम मेड पिज्ज़ा। ये हमने जो बनाए हैं पिज्ज़ा के बेस, ये भी हमने घर पे बनाए हैं। इसका वीडियो मैं आपको अगली बार दूंगा। चलो शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास पिज्ज़ा बेस हैं, ये प्याज है, ये पनीर है, ये कैप्सिकम है, ये चीज़ है, ये हमारे पिज्ज़ा सीजनिंग या ऑरिगेनो आप यूज़ कर सकते हैं, ये है हमारे चिली फ्लेक्स, और ये है पिज्जा टॉपिंग। ये कैसे बनाते हैं ये भी घर पे बना सकते हैं। ये अगर आप चाहेंगे तो हमें कमेंट करें तो मैं आपको ये बनाना भी सिखाऊंगा, और साथ में हम आप चाहें तो सॉस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं पिज्ज़ा बनाने की। चलिए देखिए, हमने पिज्ज़ा बेस लिया। देखिए मैंने थोड़ा सा पीछे से सेक रखा है पिज्ज़ा, ताकि हमें नीचे का शुरुआत नहीं करने पड़े, नीचे सेकने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो हम अब ऊपर इस पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे हम पिज्ज़ा टॉपिंग। पिज्ज़ा टॉपिंग देखिए, पिज्ज़ा टॉपिंग आपको जिस हिसाब से लगती है कि आप कुछ ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा लगाएं, कम खाते हैं कम लगाएं, लेकिन नॉर्मल लगा रहा हूँ मैं, वन टेबल स्पून लगा रहा हूँ मैं। देखिए अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। देखिए कितने अच्छे से स्प्रेड हुई है। ठीक है, अब इसके बाद ये मुझे कैचअप इसके साथ बहुत अच्छी लगती है, इसे मैं कैचअप डाल रहा हूँ। आप अगर नहीं डालना चाहते, आपको थोड़ा मीठा नहीं पसंद है, तो आप मत डालिए, ये ऑप्शनल है। ठीक है, मैं हल्का सा मीठापन अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें डाल रहा हूँ अपनी ये केचप। इसे भी स्प्रेड कर दीजिए, मैं बहुत हल्की सी डाल रहा हूँ ताकि इसमें हल्का सा टमाटो का टेस्ट आ जाए। जस्ट अगर आप अलग से ऊपर से टमाटो केचप या वो डालना चाहें वो भी आप डाल सकते हैं। अब देखिए इस पर हम पहले लेंगे ओनियन, ओनियन स्प्रेड करेंगे अच्छे से। ओनियन स्प्रेड करिए, फिर इस पे कैप्सिकम, देखिए आपको जो चीज़ पसंद हो आप वो चीज़ डालिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कैप्सिकम पसंद नहीं है तो आपको कैप्सिकम डालनी ही है। आपको रेड कैप्सिकम मिल जाए रेड कैप्सिकम डाल दीजिए, मेरे पे ग्रीन है इस टाइम अवेलेबल तो मैं ग्रीन कैप्सिकम डाल रहा हूँ। आपको जो पसंद हो जो अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। अब हम इसमें आप चाहें तो पनीर ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और वैसे भी डाल सकते हैं, मैं जो है इस मैश करके डालूँगा। देखिए क्योंकि उसका अलग ही टेस्ट आता है। देखिए आप मेरे को बताइएगा कि आपको आपने बनाया मेरी रेसिपी थी, आपको अच्छा लगा कैसा लगा। ठीक है, आपको जितना डालना है उतना डालिए, आपको कम पसंद है कम डालिए, नहीं पसंद है तो मत डालिए, आप अपने हिसाब से अपने वेजिटेबल डाल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ हम बाद में डालेंगे, पहले हम ऑरिगेनो डालते हैं। ठीक है, आप हाथ में लेके भी डाल सकें, हाथ में लेके डालेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, आपका हाथों से, देखिए हाथों से डालेंगे तो आपको ऊपर से भी डालना है तो कम डालिएगा, मतलब पिज्ज़ा बनने के बाद भी अगर आप डालते हैं तो आप इसमें कम डालिएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम चीज़ स्प्रेड करेंगे। देखिए मुझे चीज़ बहुत पसंद है, इसलिए मैं खूब सारा चीज़ डालूंगा इसमें। आप फिर से बनाइएगा, ज़रूर घर पे बनाइएगा, बहुत आसान है। आपको वो अगर चाहिए हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपके लिए एक दूसरी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम पिज्ज़ा बेस घर पे बनाएंगे कैसे। ठीक
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे और आपको घर पे बनाने में अच्छा लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मैंने कितना डाला। और जब ये बनाना शुरू किया था, उससे पहले मैंने वो दाल अपना ओवन प्री हीट पे रख दिया था। देखिए मैं अब इसे अवन की ट्रे में रख रहा हूँ, जो मैंने प्री हीट कर रखा है। मेरे पास ओटीजी है, तो मैं ओटीजी में रखने जा रहा हूँ। आपके पास अवन है, रखिए। देखिए मैं अपने ओटीजी में रखने जा रहा हूँ। ये 180 डिग्री पे रखिएगा, 180 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया है। ये बनना तैयार हो गया है। अब इसे हम 10 मिनट देंगे। आप देखिए कि आपका कैसा काम करता है, उसी के हिसाब से देखिएगा। अगर आपका ये मेल्ट होने लग जाए, अच्छे से मेल्ट हो जाए, तो आप पहले भी निकाल सकते हैं 10 मिनट से पहले। लेकिन मेरे को इसको थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं ऐसे 10 मिनट में निकालूंगा। मेरा क्रंची बनेगा बिल्कुल, आप देखिए। वो बाद में एडिट हो जाएगा। हम आपको दिखा, मेरा नीचे से सिका हुआ था, मैंने पहले से सीख रखा था। इसे मैं टॉप हीटर ऑन कर रहा हूँ, बॉटम हीटर मैंने बंद कर दिया है, ताकि मेरा ऊपर का जल्दी हो जाए, जल्दी भी हो जाएगा मेरा। देखिए अब 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं निकालता हूँ। देखिए कितना अच्छा, देखिए क्या, देखिए कितना अच्छा बना है। ऊपर से देखिए पनीर पे कितना अच्छा हुआ है। इतनी ये क्रंचीनेस देखिए, पिज्जा की साइज से क्रंचीनेस देखिए, कितनी अच्छी बनी, कितना अच्छे है। अभी मैं प्लेट में निकालता हूँ इसे, रुकिए। देखो मैं देखिए कितना अच्छा क्रंची है। देखिए अब मैंने इसे प्लेट में रख लिया, देखिए कितना अच्छा क्रंचीनेस है। मैं आपको हाथ से उठा के दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए कितना अच्छा क्रंचीनेस है, कितना पतला और अच्छा। ये मैंने पतला बनाया है बेस, ये हम पे मोटा बेस भी है, देखिए जो ये फूल के बना है। अगर हम देखिए दोनों का बेस, मेरे को पतला बेस बहुत पसंद है, इसे मैंने पतला आपके लिए दिखाया है। आपको मोटा पसंद हो तो आप मोटा बेस भी बना दीजिएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा है, देखिए इसकी आवाज़ सुनिए, देखिए आवाज़ आई, देखिए क्या क्रंचीनेस है। देखिए फिर आवाज़ आई, कितना अच्छा क्रंचीनेस है। तो आप ये घर पे ट्राई करिए। अब बताइए आपको हमारा पिज्जा कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। और आपको और भी किसी रेसिपी की सिंपल और इजी रेसिपी चाहिए हो तो मेरे को कमेंट जरूर करें, मैं उसकी एक इजी रेसिपी लेके आऊँगा। जैसे मैंने अभी पिज्जा की, ये सबसे इजी रेसिपी है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। सबसे इजी रेसिपी अगर आपको चाहिए हो किसी भी चीज़ की, आप हमारे चैनल पर आइए। आपको कोई भी चाहिए हो तो वो हमें कमेंट करें, हम उस चीज़ की इजी रेसिपी लेके आएंगे, इजी से इजी, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, घर पे आप आसानी से बना सकें। थैंक यू वेरी मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।